फ्लेक्सिबल इन योर बजट इन योर हैंड वेरी सुन। एंड आई नो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा एंड आप क्या सोच रहे होगे, ऐसा कुछ मिलना इम्पॉसिबल है, नहीं मिल सकता इन 2021 बिकॉज यू हैव टू बाई अ फ्लैगशिप फोन देन यू हैव टू पे हाई प्राइजिंग। पर ऐसा कुछ इस बार नहीं होने वाला है। फाइनली रेडमी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर एवरी वन बिकॉज रेडमी इज़ गिविंग अ फ्लैगशिप फोन इन बजट एंड कन्फर्म है ये टैगलाइन कुछ कंटिन्यूड चलने वाला है रेडमी के नोट 11 सीरीज़ में, क्योंकि रेडमी अपने 2 साल से ना नोट लाइनअप सीरीज़ के स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर रहा लाइक फ्लैक्सिबलेबल एंड कन्फर्म है इस बार कुछ ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। एंड इस बार रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स एज अ फ्लैगशिप फ़ोन होगा एंड प्लस इन बजट एंड कन्फर्म है ये फ़ोन इंडिया में बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक पे ये फ़ोन इंडिया में ऑफिशियली देखने को मिलेगा एंड मच मोर अपडेट्स अभी रिसेंट में रिवील हुए। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो इन डिटेल तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस फोन का प्राइसिंग, इंडिया रिलीज डेट एंड कन्फर्म स्पेक्स रिवील हो चुका है। शुरू करते हैं इस वीडियो को, वीडियो बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इन दिस टाइम यू गेटिंग मच मोर न्यू अपडेट्स हियर। सबसे पहले इस फ़ोन के न्यू अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड कन्फर्म स्पैक्स के बारे में, जिस फ़ोन के अंदर ऑफिशियली मिलने वाले एंड कन्फर्म है दिस फोन इज़ गोइंग टू बी अ फ्लैगशिप। सबसे पहले इस फ़ोन के फ्लैगशिप परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं जो एज अ फ्लैगशिप होने वाला है। एंड इस फ़ोन के अंदर बेस्ट चिपसेट मिलने वाला है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 780G 12 5G SoC, जो एक ऑलरेडी एक बेस्ट चिपसेट है। एंड इस चिप में ना बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी हैं, लाइक ये चिप हाई क्लॉक स्पीड पे रन करता है 2.6 GHz पे एंड 6 नैनोमीटर के AI टेक्नोलॉजी पे बेस है ये चिप। प्लस इस फ़ोन के अंदर रीड और राइटिंग स्पीड भी अच्छा मिल रहा है एंड कन्फर्म है ये फ़ोन एंड्रॉइड 12 पे रन करने वाला है, MIUI 13 का न्यू अपडेट। प्लस इस फ़ोन के अंदर बेस्ट स्टोरेज ऑप्शंस, डिस्प्ले इस फोन के अंदर बेस्ट मिलने वाला है बिकॉज यू गेटिंग स्मूदर डिस्प्ले लाइक 120Hz एंड सुपर एमोलेड पैनल। एंड इस फोन के अंदर 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैन जो एज अ फास्ट होने वाला है ये फिंगरप्रिंट स्कैन कन्फर्म है, क्योंकि ये 3rd generation का फिंगरप्रिंट स्कैन इस फोन के अंदर मिलेगा। एंड इस फोन के अंदर एज अ सिंगल पंच होल फॉर सेल्फी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर कर्व डिस्प्ले एंड HDR10+ का सपोर्ट। कैमरे के बारे में बात करते हैं एंड फाइनली यू गेटिंग अ न्यू कैमरा हियर। लाइक इस फोन के अंदर ना न्यू क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो प्रीवियस वन से मैच नहीं करने वाला है। इस बार न्यू मिलने वाला है कैमरा इस फोन के अंदर एंड इस फोन के अंदर न्यू क्वाड रियर कैमरा मिलेगा एंड प्राइमरी कैमरा ऑल्सो हेयर विल बी चेंज। कन्फर्म है 108 MP का सोनी का न्यू सेंसर मिलने वाला है एंड अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 16 MP प्लस डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस 8 MP प्लस डेप्थ सेंसिंग 5 MP। एंड अगर हम बात करते हैं फॉर सेल्फी के तब तो इस फोन के अंदर एज अ सेल्फी ऑल्सो चेंज। कन्फर्म इस फोन के अंदर 44 MP का न्यू सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो एज अ बेस्ट होने वाला है। प्राइसिंग एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं एंड इन दिस टाइम कन्फर्म है ये फ़ोन एज अ बेस्ट प्राइस पॉइंट पे आने वाला है, क्योंकि इस बार रेडमी नोट 11 सीरीज का एज अ टैगलाइन होने वाला है फ्लेक्सिबल इन योर बजट। एंड कन्फर्म है दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अ मिड सेगमेंट प्राइस पॉइंट एंड इस फोन का एक्सपेक्टेड प्राइसिंग एज अ स्टार्टिंग प्राइसिंग कन्फर्म है। इस फोन का एज अ स्टार्टिंग वेरियंट 6GB 128GB 19,999 के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल होने वाला है इन इंडिया। एंड कन्फर्म है इस फोन का प्राइसिंग कुछ सेम होगा एंड रेडमी के नोट लाइनअप सीरीज के स्मार्टफोन एज अ बेस्ट प्राइस पॉइंट पे आते हैं तो कन्फर्म है इस बार भी कुछ सिमिलर होगा, लाइक रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स इंडिया में मिड 7 के प्राइस पॉइंट पे मिलने वाला है। एंड इंडिया रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, दिस फोन इज़ कमिंग ऑन अक्टूबर फर्स्ट वीक एंड कन्फर्म है ये फोन बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।